एलोन मस्क जिनका नेटवर्थ आज की तारीख में है 18,500 करोड़ रुपयों, जिन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों की शुरुआत की। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते आज एलोन मस्क की इस जर्नी को मैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के साथ जोड़ने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल उन्होंने किया अपनी इस लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। एक बार सोच के देखिए, सभी बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन एलोन मस्क ने अपने बिजनेस में ऐसा क्या अलग किया जिससे आज वो दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपोज सेंड किया, लेकिन फिर भी वो अपने उस कॉन्फिडेंस पे डटे रहे कि नहीं, ये हो सकता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक कार को लेकर के हो, चाहे वो सोलार एनर्जी को लेकर के हो, जब पेपल नाम की कोई चीज़ हम जानते ही नहीं थे, उस वक्त उन्होंने उसके बारे में कल्पना की थी और उसे शुरू कर दिया था। जिस किसी चीज़ में एलोन मस्क ने हाथ डाला था, बस वहाँ पे रिवॉल्यूशन क्रिएट हो गया था। लेकिन ऐसे चैलेंजेस उन्होंने अपने हाथ में क्यों लिए, कैसे लिए, जो हर कोई कहता था कि ये पॉसिबल नहीं है, उन चैलेंजेस को करने का कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आया, उसके बारे में हम समझेंगे। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एलोन मस्क की अगर आप पूरी लाइफ जर्नी को अगर आप चेक करें, तो अलग अलग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सबसे पहले टेक्निक, गोल सेटिंग। एलोन मस्क ने जब भी किसी कंपनी को टेक ओवर किया, जिस भी किसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना एड ऑन किया, उन्होंने उस एक कंपनी के साथ अपना गोल सेट कर लिया कि इसे हम कहां तक पहुंचाएंगे, या इसके जरिए कौन सा एक प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है और वो कब तक करना है। जैसे ही वो गोल सेट हो गया, अब जो उनकी टू डू लिस्ट थी, जो उनके रोजमर्रा के काम थे, वो उस गोल की तरफ आगे बढ़ने वाले काम शुरू हो गए। एक कंपनी को उन्होंने टेक ओवर किया, वहां पर गोल सेट किए, अपनी टू डू लिस्ट बनाई, और उस टू डू लिस्ट के साथ जहां कहीं भी वो रिस्क फैक्टर आता था, उस रिस्क फैक्टर को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके साथ वो आगे बढ़ने लगे। एक बार अपनी लाइफ को चेक करके देखिए, जब भी हमें कहीं पर महसूस होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की मामला है, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बैकफुट पे ले आते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, बस वहीं पर फ्रंट फुट पे खेल गए यहाँ पे एलोन मस्क, और उन्होंने उस रिस्क को अपने हायर गोल की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ उन्हें अचीव करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें फेल्यूर नहीं हुआ, डेफिनेटली 2008 में ऐसे कगार पे वो आ चुके थे कि सारी की सारी चीज़ें उनकी ख़राब होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो नासा के हेल्प की वजह से उनके स्पेस एक्स को एक लिफ्ट मिला, एक बूस्ट मिला, और वो आगे निकल गए। लेकिन अगर वो उस डर से बैठ जाते कि नहीं, ये रिस्क नहीं लेना है, तो शायद वो कभी इस लेवल पे पहुंच नहीं पाते। चाहे वो उनका स्टार्टिंग वाला फेज क्यों ना हो, जब उन्होंने जिप 2 का लॉन्च किया था और बाद में कॉम्पैक्ट ने उसे टेक ओवर कर लिया था, परचेज कर लिया था, तब भी काफ़ी मिलियन डॉलर कमाई, इनकम वहां पर एलोन मस्क ने की थी। इन सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो एलोन मस्क ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, और वो है लर्न अनलर्न रीलर्न। दोस्तों, हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं लाइफ में, हर मोमेंट पे, हर जगह पर हम सीखते हैं, और जो भी हमने सीखा हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें मालूम चलता है कि नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, क्योंकि जो हमने सीखा है उस पर हमें इतना भरोसा होता है कि हम बस उसी एक चीज के पीछे लगे रहते हैं कि ये ऐसा ही होगा। एलोन मस्क ने थोड़ा सा अलग किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लर्न किया, मालूम चला कि ये काम नहीं कर रहा है, उसको अनलर्न कर दिया, और जो काम करने वाला है उसको रीलर्न किया, मतलब जो सीखा था उसे भूले, वापस कुछ नया सीखा और उसे इम्प्लीमेंट किया। आपको भी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया तो सीखते ही रहना है, लेकिन जो पुराना सीखा हुआ है उसको छोड़ना होगा, ताकि उसी में जो अपडेट आए हैं उसको हम एक्सेप्ट कर सकें, जैसे हम हमारे मोबाइल के अपडेट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ एलोन मस्क ने एक और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, और वो टेक्निक है कोलैबोरेशन। आप जितना टाइम
उस पर्टिकुलर चीज को अकेले ही डेवलप करने की कोशिश करोगे उतना आप लेट वहां पहुंचोगे, और जितना टाइम आपके कोलैबोरेशन में आपको लगेगा आप क्विकली उन चीजों को अचीव कर लोगे। जो सबसे फर्स्ट डील उन्होंने की थी कॉम्पैक्ट के साथ, उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उनके थॉट प्रोसेस के साथ, जो कोई इंसान उन चीजों में ऑलरेडी काम कर रहे थे उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया, उनके उस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने फंडिंग किया। मार्स के ऊपर काम करने वाली एक सोशल एनजीओ कंपनी, वहां पर मार्स के ऊपर कुछ कम्युनिटी बिल्ड हो सके उस पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने जो कॉम्पैक्ट की डील में से मिला हुआ पैसा था उन्होंने उस कंपनी के साथ, उस एनजीओ के साथ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करते करते वो सीखना शुरू किए और वहां से स्पेस एक्स ये कंपनी बाहर आ गई जो अंतरिक्ष में यान भेजना और अंतरिक्ष के बारे में ही काम करना। दोस्तों, रॉकेट जो एक बार लॉन्च हो जाता है वो वापस नीचे नहीं आ सकता, इस थिंकिंग के साथ जो साइंटिस्ट बैठे थे उनके उस थिंकिंग को चैलेंज दिया एलन मस्क ने और कहा कि रॉकेट को ऐसा बनाएंगे जो वापस नीचे आए और हम लोगों को उसके अंदर भेजेंगे। थॉट प्रोसेस था, डेफिनेटली काफी इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उस थॉट प्रोसेस पे काम करने वाले कदम थे। कोलैबोरेशन, आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं आप चेक कीजिए उसका जो नेक्स्ट स्टेप है या उसमें जो एडवांसमेंट है, या उसके अलावा अगर कोई थॉट आपके मन में आ रहा है तो चेकआउट कीजिए कि कौन है जो उसमें अभी काम कर रहा है और क्या उनके साथ आपके इस आइडिया को मर्ज करते हुए आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। अगर आपने अभी तक हमारे साथ जुड़ने का फैसला नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये जुड़ाव आपको हमेशा एक कदम आगे रखेगा। अगर इस पूरे वीडियो से कोई भी एक पॉइंट ऐसा मिला है जो आपको लगता है कि आपको मदद करेगा तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। अगर कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो चैलेंजेस से काम करने में बहुत इच्छुक है उनके साथ ये चीज शेयर कीजिए ताकि वो अपने नेक्स्ट स्टेप इस पर्टिकुलर आउटकम से फाइंड आउट कर सके। थैंक यू वेरी मच, हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम मैनेज योर लाइफ।